नमस्कार प्यारे बच्चों, और अब आपका स्वागत है हिंदी कक्षा में। और हिंदी में मैम आज आपको करवाएंगी वाक्य लिखना और पढ़ना। अमात्रिक शब्दों से वाक्य लिखना और पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य लिखिए व पढ़िए। ओके, तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, आपको ये वाक्य पढ़ने भी हैं और लिखने भी हैं। तो चलिए अब हम पठन कार्य का अभ्यास करेंगे। अ च क न, अचकन। क्या बना? अचकन। प ह न, पहन। अचकन पहन। अक्षरों को जोड़कर बनाए शब्द। चार अक्षर जोड़ने से बना एक शब्द, यहाँ पर तीन अक्षरों को जोड़ने से एक शब्द बन गया। और शब्दों को जोड़कर क्या बनते हैं? वाक्य। अचकन पहन। नेक्स्ट देखें, र थ रथ। प र पर। च ढ चढ़। क्या वाक्य बनाइए? रथ रथ पर पर च ढ चढ़। रथ पर चढ़। ओके, नेक्स्ट। प न घ ट। क्या है ये? प न घ ट। प न पन, घ ट घट। और आप दोनों उस एक साथ बोलेंगे पन घट। क्या बन गया शब्द? पन घट। प र पर। ज ल जल। भ र भर। अब वाक्य को फिर से पढ़ेंगे। अभी आपने अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ा, अब हम फिर से उच्चारण करेंगे। पनघट पर जल भर। नेक्स्ट। अ ब अब। क्या बना? अब। आपको मेरे साथ साथ बोलना है। घ र घर। च ल चल। आप एक साथ वाक्य को पढ़ेंगे। अब घर चल। कैसे पढ़ना है आपको? अब घर चल। नेक्स्ट। न ट ख ट नट खट। क्या बन गया? नट नट ख ट खट। एक साथ बोलेंगे दोनों शब्दों को नट खट। चार वर्णों का अमात्रिक शब्द है। जो ज्यादा बड़े शब्द होते हैं आप उनके टुकड़े करके उनको बोल सकते हैं। नट खट। म त मत। ब न बन। नटखट मत बन। क्या मत बन? नटखट मत बन। ऐसे रीडिंग करनी है आपको। नेक्स्ट नंबर सिक्स। ह ल च ल। ह ल हल। च ल चल। हल चल। क्या शब्द बना? हलचल। म त मत। क र कर। हलचल मत कर। क्या मत कर? हलचल। हलचल मत
नेक्स्ट अ म न अमन, क्या बना शब्द? अ म न अमन। श ह द शहर, श ह द शहर। च ख चक, च ख चक। अमन शहर चक, अमन शहर चक। ऐसे रीडिंग करनी है आपको, पहले अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएंगे, शब्दों की रीडिंग करेंगे और फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे। अमन शहर चक। नेक्स्ट र म न रमन, र म न रमन। अ ब अब, ब त ख बथक, क्या बना? ब त ख बथक। प क ड पकड़, रमन अब बतख पकड़। फिर से पढ़ेंगे, रमन अब बतख पकड़। तो ऐसे आपको इन वाक्यों को लिखना है और पढ़ना है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। अचकन पहन, रथ पर चढ़, पनघट पर जल भर। नेक्स्ट अब घर चल। नेक्स्ट नखट मत बन। नेक्स्ट वाक्य हलचल मत कर। नेक्स्ट इज अमन शहर चक, रमन अब बतख पकड़। क्या पकड़? बतख पकड़। तो बच्चों आपको ऐसे पहले अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ने का अभ्यास करना है और फिर जब आप डायरेक्ट शब्द को पढ़ना सीख जाएंगे तो ऐसे रीडिंग कर पाएंगे। अचकन पहन, रथ पर चढ़। और ऐसे रीडिंग सीखने के लिए आपको अक्षरों को जोड़ जोड़ कर शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है और फिर शब्दों को जोड़ कर वाक्य पढ़ने का अभ्यास करना है। ओके, और नेक्स्ट थिंग, आपको क्या करने है? वाक्य लिखने भी हैं तो राइटिंग का, लेखन का आपको ध्यान रखना है। देखो मैम ने ऊपर वाली लाइन से लेकर नीचे वाली लाइन तक अक्षरों को टच करके लिखा हुआ है और लाइन से बाहर बिल्कुल नहीं निकाल रखा, तो आपको भी ऐसे ही लेखन कार्य पूरा करना है। अमात्रिक शब्द है यहाँ पर, तो आप इन अक्षरों को लाइन से बाहर नहीं निकालेंगे और अक्षर की जो बनावट है उसको सुंदर तरीके से बनाएंगे। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, बाय बाय।